Study Plus Fun, a learning channel for kids. हेलो बच्चों, स्टडी प्लस फन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी है एक मेंढक की। जी हाँ, एक ऐसे मेंढक की जो भोजन प्राप्त करने में जब हार जाता है, थक जाता है, तो भोजन प्राप्त करने के लिए किसी तकनीक का प्रयोग करता है और भोजन का आनंद लेता है। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है रंजीत कौर ने और इसमें चित्र बनाए हैं पार्थ सेन गुप्ता जी ने और कहानी को हम तक लेकर आए हैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जिसका नाम है मेंढक की तरकीब। तो बच्चों, ये है हमारी आज की कहानी का हीरो। जी हाँ, एक मेंढक। और ये कहानी है उस दिन की जब मेंढक को भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में था। इधर उधर बहुत से कीट पतंगे थे, सोचा आज पेट भर खाऊंगा। वह इधर झपटा, उधर झपटा, ऊपर उछला, नीचे कूदा, पर कुछ हाथ न लगा। वह भूख से परेशान था, सोच रहा था सब कितने तेज हो गए हैं, कोई पकड़ में ही नहीं आता, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक मोमबत्ती पर पड़ी। वह उसकी ओर गया, वहां ढेरों पतंगे थे, वह मजे से अपनी भूख मिटाने लगा। अगली शाम वह तालाब से बाहर आया, किनारे पर एक मोमबत्ती लगाई, फिर उसे जला दिया। थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारा खाना था, वह मजे से खाना खाने लगा। उसे देख कुछ दिनों बाद तालाब का नजारा बदल गया। अब रोज रात्रि भोज होता है और वह भी मोमबत्तियों की रोशनी में। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हम अपने हीरो यानी मेंढक से इतना तो सीख ही सकते हैं कि अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ एक अच्छी तकनीक का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर हम आपके साथ आते रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।